एक सुई भी नहीं खोई, ये हमारी जिम्मेदारी है। बंधुओं, ये सच है, आज तो नहीं लेकिन इतिहास साक्षी है। गुरुदेव ने इस चमत्कार के ऊपर कोई भी आश्चर्य नहीं किया। जहाँ चैतन्य चमत्कार प्रतिपल घटित होते हो, उन्हें बाहरी चमत्कार से कोई सरोकार नहीं होता। और हुआ ये कि आचार्य जी ने कोई दृष्टिपात नहीं किया, सबने प्रणाम किया, पूरे अष्टांग नमस्कार किया। ये सारा दृष्टि मुनि श्री देख रहे थे, घबरा रहे थे, कुछ अनघट घटना न घट जाए। कुछ नहीं हुआ, वो चले गए। उन्होंने आश्वासन दिया और आचार्य जी ने चातुर्मास की स्थापना की। बंधुओं, ये तो इतिहास साक्षी है। सच में किसी ने तो कहा है, यूं तो कहने को एक लम्हा है मगर सदियां इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी। कहने को एक लम्हा था, एक क्षण था, लेकिन आज भी कहते हैं वो नैना जी का चतुर्मास ऐतिहासिक चतुर्मास था, जहां मनुष्य तो क्या नाग और नागिन भी कई दिनों तक उनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे। ऐसे महासंत जिनके चरणों में चार महीने एक भी भक्तों की चाहे अर्धरात्रि को भी आ जाते, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। और जो ही चातुर्मास पूर्ण हुआ, डाकुओं का वही गिरोह गुरुदेव के समक्ष आया और उन्होंने गुरुदेव के समक्ष संकल्प ग्रहण किया। हे भगवान, आपने हमारे जीवन को बदल दिया। अभी तक इसने कितनी कितने सिंदूरों को उजाड़ा, कितने घरों को बर्बाद किया, लेकिन आज ये पतितात्मा आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए बुरे कार्यों के लिए त्याग करती है और सारे डाकुओं के गिरोह ने उसके लिए परित्याग कर दिया। ये सत्य घटना कई महानुभावों को पता है, लेकिन आज पुनः इसको ताजा करने इसलिए मुझे उचित लगा कि चातुर्मास की स्थापना होती है तो साहूकार तो क्या, डाकू का जीवन भी बदल जाता है। और सच कहा है आचार्य जी ने, मूक माटी में अपनी अनुभूतियां लिखी है। मूक माटी महाकाव्य सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है, इसमें आत्मा की अनुभूतियां हर हर वाक्य से अनुकूलित होती है और आचार्य जी की अनुभूति की रसा स्वादिष्ट कराती है। वो लिखते हैं आचार्य जी, उजली उजली जल की धारा बादलों से गिरती हुई धरा धूल में या दल दल में बदल जाती है। वो लिखते हैं, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आ दल दल में बदल जाती है। वही धारा नीम की जड़ों में जा पटका में ढलती है, सागर में जा लमड़ा कर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाना में बदलती है, विषधर मुख में जा विषहाना में बदलती है। सौग्रीय शक्ति कामें गिरती स्वाति का कार हो मुक्ति का बनकर झिप मिलाती है। वही धारा बेटा, गजब की बात नहीं है। वही जल की धारा, वही जल की बूंदे जब धरती पर आती है दलदल में बदल जाती है, विषधर के मुख में जाती है विषहाना में बदलती है, नीम की जड़ों में जाती है पटुता में ढलती है, सागर में जाती है लड़ाकर कहलाती है। मतलब जैसी संगति होती है वैसी मति होती है, जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगो युगो से, भवो भवो से। बहुत अच्छी, बड़ा उतार चढ़ाव है गुरुदेव की इन कविताओं में। कल से आपको सुनने को मिलेगा ठीक 8:15 बजे से मूक माटी महाकाव्य का वाचन कल से शुरू हो रहा है। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज वो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, लोग कहते हैं कि वो कविता लिखते हैं, पर सच है वो कविता नहीं, जिंदगी की हकीकत लिखते हैं। और उन्होंने हमारे आत्मा की सारी कहानी चार वर्गों में विभाजित करके रखी है ताकि चातुर्मास में हम अपने ही इन चार वर्गों को समझ सके। एक गर्भावस्था, एक जन्मावस्था, एक हमारी पूरी बीच की अवस्था और एक अंतिम अवस्था। सारी अवस्थाओं का समूचा वर्णन, चूंकि आज समय बहुत अल्प है और गुरुदेव की बात पर जब जाते हैं तो लगता है कि जैसे हम अपने ही प्रकट होने वाले परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव की चर्चा करते करते वही पुण्यकुंज स्वामी की बात हमें याद आती है। कितनी सुंदर बात, जो समय पावन विरम पड़ी दूड़ाए अत तच दौड़ा दो अथे था ही विचेदा ही भूली भटकी भगवान आत्माओं। सुनो, जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम सुख पाना चाहते हो। हाँ,
कोई नहीं पाना चाहत, सब कोई पाना चाहत। आप लोग बोलते सब कोई पाना चाहते हैं, पर सत्य है तो कुन कुन स्वामी कहते सुनो अथे था ही दीजिएगा, कहीं स्थिर मत होना, कहीं व्यर्थ की बातें मत करना, किसी की निगरानी मत रखना। इस चतुर्मास के काल में घर को धर्मशाला बना लेना और धर्मशाला को घर बना लेना, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद आता है। ठीक यहाँ 6 बजे से जिन सरस्वती का गूढ़तम अध्ययन होगा, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, प्रथम अक्षर से लगा करके अपन वहीं पर चलेंगे, फिर 7:15 बजे चलेंगे हम मूक माटी महाकाव्य की ओर, और फिर सारे आदि व्याधि उपाधियों को छोड़कर 9:15 बजे से हम चलेंगे समाधि तंत्र की ओर, जो हमें अपने आत्मस्थ होकर के अपनी अनुभूति कराने में पूर्ण सहायक होगा। फिर देखते हैं कितना आनंद बरसता है। चारों माह आप सभी लोग अपने चतुर आराधना के लिए तत्पर हो जाइए और अपने पट खोल दीजिए, ताकि वह पंक्ति सार्थक हो सके। सो हो कलि उत्तमम सुखम, ताकि उत्तम सुख की प्राप्ति हो सके। आज आपके धैर्य और संयम को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। लाइट जा रही है, पंखा नहीं है, भीड़ बहुत है, इसके बावजूद भी कितनी सहनशीलता, कितना धैर्य। नीचे आपसे भी तिगुने लोग बैठे हुए हैं, कितना धैर्य बांधे बैठे। हमारा आशीर्वाद उनको वहीं तक पहुंच रहा है, सबके अपने अपने पास तक। आप लोगों तक तो आवाज पहुंच रही है, लेकिन उन तक आशीर्वाद पहुंच रहा है। बखूबी यहाँ की कमेटी के लोगों ने सतत पुरुषार्थ किया। हम लोग बहुत लेट आए, आने में हमें बहुत देरी हो गई, चूंकि शिखर जी से यात्रा करके आ रहे हैं। हम सोच रहे थे कि शिखर जी की पवित्र माटी की, वहाँ की जो पवित्र पुरवैया है, उसकी हवाएं हम सबको बिखेरते हुए चले और यहाँ तक आए, तो लगा कि यहाँ के लोग भी बड़े ही प्यासे हैं। गुरुदेव ने जो भेजा है सच ही बड़ी दूरदृष्टि से भेजा है, क्योंकि शिव नगर में बहुत प्यास है, 1 महीने से काम नहीं चलेगा, तो गुरुदेव तभी तय करके गए थे कि यहाँ पर चतुर्मास की आवश्यकता है। ये बात तो अभी हमें पता चली, गुरुदेव पहले से ही कहके गए थे। और देखिएगा यहाँ पर कितनी सगर प्यास है, नन्हे मुन्ने बच्चे गुरुकुल के लगभग 150 बच्चे आए हैं, नीचे एक कतार में अनुशासित होकर के बैठे हैं। इसी तरह से आपका अनुशासन, आपकी प्यास, आपकी लगन बढ़ती चली जाए, यही मेरी भावना है। सागर का पानी है, और सामान्य सागर का नहीं, विद्या के सागर का पानी है, बहुत खारा पानी है। पीते जाओ, कभी प्यास नहीं बुझेगी तुम्हारी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सागर के खारे पानी में कभी भी दान नहीं करती, किसी की दान नहीं करती। सागर का पानी ही ऐसा है, जहाँ सत्यता है वहां पर तो सब कुछ आनंद ही आनंद है, तो चले हम गुरुदेव के श्री चरणों में एक बार बड़ी भक्ति के साथ में, जहां हमारे गुरुदेव रामदेव के साक्षात विराजमान है। सभी भक्तों की भावना है गुरुदेव की भक्ति, यही से 2 मिनट में हम करेंगे। हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, जिनकी कृपा से हम सब आनंदित हैं और बड़े ही अपने आप के ज्ञान सरोवर में डूबने के लिए उत्सुक हैं। एक बार हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और पुनरावृत्ति करेंगे बड़ी भक्ति से। भक्ति तो हर पल के लिए है, लेकिन शाब्दिक भक्ति जो कुंजकुंज स्वामी ने कहा है, जिसका विवेचन बड़ा गंभीर है, समय मिलने पर क्रमशः हम आपको जरूर बताएंगे। अभी तो हम गुरुदेव की भावों से भक्ति करेंगे। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो जाए, प्रतिभा मंडल की बहनों ने गुरु